हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि लुकआउट नोटिस क्या होता है, लुकआउट नोटिस कौन जारी कर सकता है और लुकआउट नोटिस किसके खिलाफ जारी किया जाता है, तो इन्हीं को आज मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई अपराधी अपराध करता है और कुछ ऐसा अपराध करता है जिसके कारण वो नुक्का छुपी की खेल खेलता रहता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उस कोने में अपने आप को रखता है तो कभी कहीं और अंडरग्राउंड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस एजेंसी या जिस अथॉरिटी ने उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उस एजेंसी और अथॉरिटी के द्वारा उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है, जिससे कि उस अपराधी को जो भी देखेगा वो उसका इंफॉर्मेशन जो है उस एजेंसी और अथॉरिटी को देगा और उस एजेंसी या अथॉरिटी के द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। कुछ स्थिति में ऐसे होते हैं लुकआउट नोटिस जो जारी किए जाते हैं, जब कोई अपराधी भगोड़ा घोषित किया जाता है, वो भगोड़ा हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है और उसके बाद ये डर रहता है कि वो अपराधी जो है अपने देश छोड़ के कहीं विदेश ना भाग जाए, तो उस स्थिति में भी लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। जैसे कि अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, तो मनीष सिसोदिया, क्योंकि ईडी को ये था कि ये जो है विदेश जा सकता है, अपने देश छोड़ के भाग सकता है, तो इसीलिए ऐसी स्थिति में ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था मनीष सिसोदिया के खिलाफ, जिसमें कि जो भी हमारे एयरपोर्ट हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, बंदरगाह हैं, उस पे रोक लगा देता है कि उस पे यदि इस व्यक्ति को देखा जाएगा तो वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाए। लुकआउट नोटिस जारी करने का जहां तक अधिकार की बात है तो लुकआउट नोटिस जो है कई एजेंसी और अथॉरिटी भी जारी करते हैं। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो डिप्टी सेक्रेटरी हुआ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ या इसके ऊपर के जो भी अधिकारी होते हैं वो लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, ये जो है ये भी लुकआउट नोटिस जारी करते हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो लुकआउट नोटिस जो है वो जारी करना अनिवार्य होता है कुख्यात अपराधी के खिलाफ, जिसको कि देश छोड़ के भागने का जिस पे एप्रिहेंशन है एजेंसी और अथॉरिटी को शंका है, तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है ताकि वो अपराधी जो है गिरफ्त में आ जाए, वो अपराधी उनके गिरफ्त में आ जाए, उनको गिरफ्तार किया जा सके, इसीलिए लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। तो मुझे आशा है कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि लुकआउट नोटिस क्या होता है, लुकआउट नोटिस जारी कौन कर सकता है और लुकआउट नोटिस किसके खिलाफ जारी किया जाता है। फिर भी यदि किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।